नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन इज अ कॉइन इज बाइस सो दैट द हेड इज थ्री टाइम्स। बाइस का मतलब किस कोई एक चीज ज्यादा बार आती है। इसमें कहा जा रहा है हेड जो है वो तीन बार आता है, थ्री टाइम्स आता है, लाइकली टू ऑकर एज टेल। भाई हेड जो होता है टेल के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स आता है, थ्री टाइम्स आता है। पहले तो इतनी चीज क्लियर। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, आपने कॉइन को दो बार उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ टेल। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहले तो नंबर ऑफ देखते ही समझ में आना चाहिए, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ टेल, भाई आपने दो बार उछाला, हो सकता है कि एक भी बार है टेल ना है, हो सकता है एक बार आ जाए और हो सकता है दो बार। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? जीरो वन टू। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? ठीक है। तो कहना ही से दैट भैया हेड जो है टेल के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स आता है, थ्री टाइम्स। ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं हेड और टेल का एक रेशियो भी बनाऊं तो यही बनेगा ना, थ्री इज टू वन। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थ्री बाय फोर होगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप यही कहोगे ना, थ्री बाय फोर। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन बाय फोर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना सारी चीजें? अच्छा, जब कॉइन को हम दो बार टॉस करते हैं उसमें चार सैंपल पॉइंट्स आते हैं, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, पहले हेड फिर टेल, पहले टेल फिर हेड, या दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। अब देखो एक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल। अब हो सकता है कि एक भी बार टेल ना आए, हो सकता है दो में से एक बार टेल आ जाए, हो सकता है दो बार टेल आ जाए। ये क्लियर? जब आप कह रहे हो एक भी बार टेल ना आए, इसका मतलब एच एच भाई एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब यही हुआ ना, एच एच एक्स एच एच, यस और नो? यानी कि नंबर ऑफ टेल इन एच एच जीरो, और एच एच आने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन पे देखो, देखो एच और एच, यानी कि आप यही कह रहे हो ना कि फर्स्ट टाइम भी एच आया है और सेकंड टाइम भी एच आया है। पहले तो ये बताओ, तो फर्स्ट टाइम भी एच, सेकंड टाइम भी एच, एच आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपकी एच आने की प्रोबेबिलिटी है, कहने से थ्री बाय फोर है। इस चीज का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। तो शायद आपने जो अभी ट्राई किया था, मेरे ख्याल से यही गलती की होगी। यही है ना गलती? समझ में आ गया? यहाँ एच आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? थ्री बाय फोर। तो थ्री बाय फोर इंटू थ्री बाय फोर, ये कहानी क्लियर? तो नाइन बाय सिक्सटीन। चलू मैं आगे। फिर आप कह रहे हो कि एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन। अब एक्स इक्वल टू वन का मतलब यही हुआ ना, या तो एच टी और टी एच, पहले बताओ ये चीज क्लियर है? यही कह रहे हो आप? यानी कि नंबर ऑफ टेल इन एच टी कितने? वन। नंबर ऑफ टेल इन टी एच कितने? वन। तो दोनों ही आएंगे इसमें। और का मतलब क्या होता है? प्लस। और पी एच टी का मतलब क्या है? पहले हेड फिर टेल, तो पी एच इंटू पी टी। पी टी एच का मतलब क्या है? पहले टेल फिर हेड। ये भी क्लियर है? अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? थ्री बाय फोर। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? थ्री बाय फोर। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? वन बाय फोर। प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाय फोर इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? थ्री बाय फोर। पहले बताओ ये चीज क्लियर? तो ये हो जाएगा थ्री बाय सिक्सटीन प्लस थ्री बाय सिक्सटीन। तो थ्री प्लस थ्री सिक्स बाय सिक्सटीन, मैं लिखू थ्री बाय एट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है आंसर? ठीक है। फिर नेक्स्ट केस आता है आपका एक्स इक्वल टू टू, उसमें तो यही आएगा ना सैंपल पॉइंट्स टी। इसको रीड करो, नंबर ऑफ टेल इन डी टी कितने होंगे? टू ही तो होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी टी टी, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट टॉस में भी क्या है? टेल इंटू सेकेंड टॉस में भी क्या आएगा? टेल। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाय फोर इंटू वन बाय फोर। ये क्लियर? तो ये हो गया आपका वन बाय सिक्सटीन। तो क्या ये टेबल समझ में आ रहा है आपको? कि जीरो, दोनों में से एक भी बार टेल नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड की, नाइन बाय सिक्सटीन आई है। दोनों में से किसी एक बार, दो टॉस में से किसी एक टॉस में क्या आ गया? टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? थ्री बाय। दोनों ही बार टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन बाय सिक्सटीन। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ठीक है।